पहले तो हम देखे कि उत्तराखंड में यूसीसी लाया गया और हमें पता है कि यूसीसी तमाम जो पर्सनल फैमिली लॉज है उसको खत्म करते हुए लाया जाता है, लेकिन उसमें कौन सा कानून फैमिली मैटर्स को रिलेटेड हावी रहता है, वो ओबियसली जो डोमिनेंट रिलीजियन है उसी का हावी रहता है, और तमाम जो माइनॉरिटी रिलीजियंस का माइनॉरिटी कल्चर्स का अलग अलग प्रैक्टिसेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, कल्चरल प्रैक्टिस है, जैसे वो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम देखते हैं पिछले दिनों जो उत्तराखंड में हुआ है, वो लिव इन रिलेशनशिप्स को लेके जिस तरीके का जो कानून बन गया कि अगर आप किसी के साथ रहना चाह रहे हैं तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, अगर आप किसी को छोड़ रहे हैं तो भी आपको जाके बताना पड़ेगा कि हम नहीं रहना चाहते अब साथ में, तो ये सीधा सीधा हम समझते हैं कि प्रेम करने की आज़ादी में आज़ादी पे एक हमला है, क्योंकि जब रजिस्टर करने जाएंगे आपका धर्म से लेके आपका जात सब कुछ देना पड़ेगा, और ये उत्तराखंड सरकार बोल रही है कि कोई भी इंसान बिना सरकार को बताए प्रेम भी नहीं कर सकता, ना अलग रह सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हुआ है महिलाओं की आज़ादी पे, पुरुषों की आज़ादी पे, ट्रांसजेंडर्स की आज़ादी पे, LGBTQ कम्युनिटी के आज़ादी पे एक बहुत बड़ा हमला है। और उसके कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि जो नाजुल लैंड रहता है, जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था, और उसके बाद जब ब्रिटिश गए इस देश से, वो उस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को देखे गए, उनके ऊपर किसी का मालिकाना हक नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर गया और वो स्टेट गवर्नमेंट्स उसको लीज करते हैं उन ज़मीनों को, तो उसी एक ज़मीन पे एक मदरसा और एक मस्जिद चलता था, और 14 फरवरी जो आने वाला है उसका हियरिंग था कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के मदद से उस मदरसे और मस्जिद को तोड़ा जाता है। जब लोकल्स वहाँ पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस फायरिंग करता है और 5 लोगों का मौत होता है, और इस ये बहुत ही एक खराब घिनौना चीज़ है कि इस देश में कानून व्यवस्था का कोई मानने का ज़रूरत ही नहीं है भाजपा सरकार को। जब कोई डिसीजन कोर्ट में पेंडिंग है तो क्यों सरकार पुलिस के थ्रू गोली चला के उस ज़मीन पे अपना हक जताना चाह रही है, और हम देख रहे हैं कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स के नाम पर पूरे दिल्ली शहर में भी अलग अलग जगह पे बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। कुछ ही दिन पहले पिछले साल हमारे बगल में प्रियंका गांधी कैंप है, जहाँ से इस कैंपस के लिए बहुत सारे मजदूर आते हैं काम करने, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। वहाँ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम तो हो जाने देते 10th का 12th का, अब तो हमारा साल बर्बाद चला गया। लेकिन हम ये भी साथ में देखते हैं कि दिल्ली के तमाम जो पॉश इलाके हैं उन पे वो लैंड जो इनक्रोच किया गया है अमीर लोगों के द्वारा, उसमें कोई एंटी इनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं चलाया जाता है। इसीलिए ये अगर अमीर कोई लैंड को इनक्रोच करे तो इस सरकार चुप हो जाता है, सरकार कुछ नहीं बोलता, लेकिन तमाम बस्तियों को तमाम ऐसे ज़मीन को खाली करवाया जा रहा है जहाँ पे गरीबों का बस्ती बसता है, जो शहर चलाते हैं उन्हीं का घर उजारा जा रहा है। और इसके साथ साथ कहीं भी हम देखे दिल्ली में एक मस्जिद को तोड़ा गया, एक और अभी हियरिंग आया उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद को लेकर चल रहा हो, ये पूरा एक सिलसिला चला चुका है भाजपा सरकार अलग अलग राज्यों में कि जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस का स्थल है मुसलमानों का उसको तोड़ा जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो एक और इसके खिलाफ बोलना, इसके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश जाना जाता है अलग अलग कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, लेकिन ये जो वन नेशन वन रिलीजियन करने का पूरा इरादा है भाजपा सरकार को, इसको ध्वस्त करना है। और इसीलिए ये आज का एफजी बर्निंग का कॉल था कि लोग जाने कि क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे धर्म का किसी माइनॉरिटी धर्म का रिलीजियस प्रैक्टिस का जगह ख़त्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी निजी जीवन में दखल दे रही है ये सरकार, और इन दोनों चीज़ों को साथ में देखना बहुत ज़रूरी है। आप कौन सा धर्म प्रैक्टिस
आप किसके साथ प्रेम कर सकते हैं, आप क्या खाना खा सकते हैं, आप क्या पहन सकता है, ये सरकार तय कर रही है। और यही फांसीवाद है, जब आप अपना पर्सनल चीज खुद तय नहीं करते, सरकार तय करके देती है। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि फांसीवाद के खिलाफ खड़ा होना, उसको ध्वस्त करने के लिए हम लोग खड़े हैं, उसको ध्वस्त करना है। थैंक शुक्रिया इनकलाब सत्ता।